नहीं ऐसा नहीं करते चुलबुल, आपको मैं कोर्स दूंगा। हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अभी मैंने चुलबुल को सेट कर रखा है बिल्कुल कि हिले ना बस। ये देखो जरा ये ऐसा लगता है कि इंसान का बच्चा बैठा है। ये इंसान का बच्चा अले ये कैसे बैठा है। बाकी गाइस अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज चुके हैं। मैंने 8 बजे व्लॉग अपलोड कर दिया है, बहुत बढ़िया हो गया है। मैं फ्री हो चुका हूँ, एक व्लॉग अपलोड हो चुका है एंड एक व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। कैसे बैठ गया है, कैसे बैठ गया तू है? ऐसे कौन बैठता है बता मेरे को, ऐसे कौन बैठता है, कौन बैठता है, कौन बैठता बता। चलिए और तेरी तू चुलबुल आओ, चुलबुल नहीं, नो नो चुलबुल नहीं, चुलबुल मैं तेरी पुट्टी कर दूंगा। हाथ पकड़ो उसका तो काटने को आता है ये। नहीं ऐसा नहीं करते चुलबुल, आपको मैं कोर्स दूंगा। चुलबुल मैं पिट्टी कर दूंगा, अब पिट्टी कर दूंगा मैं। इसको सिखाना पड़ेगा यार कि मतलब दांत वाट नहीं काटते, दांत काटता नहीं है लेकिन ये चाहता नहीं कि दांत काटे, लेकिन दांत लग जाते हैं इसके क्योंकि छोटे से दांत है इसके, तो फिर ये मतलब अंदर घुस जाते तो फिर दिक्कत हो जाती है। वैसे नाखून मार दिया इसने, अब देखना हाथ पकड़ूंगा देखना है चुलबुल। तो गाइस मैं नहा के आ गया फटाक से और टोपी पहन लिए, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। और देखा तो मम्मी ने बनाया है मेरा टेस्टी नाश्ता, नाश्ते में है पोहा। भाई साहब खा भी लिया ओम ने और मैंने खा भी लिया। खा भी लिया आपने? पापा का और आपका है ये? बस पापा कर रहे पूजा, बाकी अभी बस खाते हैं इसको और मस्त मजे करते हैं। बेटा क्या पागल कुत्ते काट दिया या मिर्गी का दौरा पड़ता तेरे को? क्या तेरी प्रॉब्लम क्या है? लाइफ में कोई दिक्कत है क्या? कुछ चल रहा क्या है? ऐसी हरकतें कर रहा है पापा? क्या किया पता है? बताओ बताओ। इस बंदे को मैंने ड्यूटी दी है कि चुलबुल को लेकर धूप सिखाएगा छत में, ठीक है? अभी मैं छत में 11 का राउंड मार के आता हूँ तो बाहर का मौसम देखो आज बिल्कुल चिल्ले वाला, सबसे ज्यादा ठंड है आज। ये चुलबुल को लेकर के वहां बैठा हुआ है, अपना भी कांप रहा है चुलबुल, ठीक है? तो मैंने बोला क्या कर रहा है फिर? आपने तो बोला धूप सिखाना, ये बदतमीज, ये भी कांप रहा है, वो भी कांप रहा है। क्या कभी छत पे मेरा हीटर जला दे, आप जाके कंफर्टेबल हुआ दे। क्या तेरे को बेटा बचपन में छत से तो नहीं गिर गया था कभी? कहीं चोट वोट लग गई और आगे पीछे मुझे पता चला हो भाई साहब छत में गए, कोहरा आ रहा है, फिल्म है यार ये, और बाहर वहां बैठा ऐसे तो कांप रहा है, वो भी कांप रहा है। ये तो इतनी मोटी एमएम की फिल्म है ना कि कभी खत्म होने वाली नहीं है। पीछे पहाड़ थे पूरे कोहरे के पीछे गायब हो चुके हैं एंड अभी जा रहा हूँ मैं छत में। बेसिकली ओम को लगा कि धूप आएगी तो उसने चुलबुल का बेल्ट रख दिया छत में एंड अब छत से लेके आ रहा हूँ मैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और ओस भी हो रही है, तो अगर ज़्यादा देर बेड छत पर रहेगा तो खाली भीग के इसका सत्यानाश हो जाएगा। तो बेड पकड़ते चुलबुल का और लेके जाते नीचे। ये रहा पूरा बेड इसका, चुलबुल का बेड, सारे बाल ही बाल लगे इसमें और हम सब के कपड़ों में बाल ही बाल लग गए, ओम के, मेरे, मम्मी के, पापा के, सब पे। ये भी चुलबुल का है। चलो तो अभी फाइनली मैं चुलबुल का बिस्तर नीचे ले आया और मम्मी कर रही है चुलबुल के बिस्तर को सेट। ठंड हो रही है भयंकर। नमस्ते अंकल, क्या हाल चाल? बढ़िया। ठंड कर दी भयंकर आपने ये, लेकिन अंकल मान गया आपको मैं, है ठंड हो गर्मी हो बारिश हो आप आओगे, आओगे पक्का, डन बात है। बड़ी मेहनत है अंकल, बड़ी मेहनत, काम ही ऐसा है। छुरी आ गया है, लंच कर रहा है यहाँ पर, खाना खा रहा है। खाना कैसा है? टेस्टी टेस्टी। हाँ। टेस्टी है? हाँ। कैसा है? टेस्टी है। ज्यादा अच्छा खाना कौन बनाता है, आंटी है मम्मी? आंटी। मम्मा देखो आंटी बनाती है पक्का। ऑल द बेस्ट। लंच लग चुका है मेरा, ऐसे ले रखा मैंने, खुद लेके आया, कितने बढ़िया तरीके से लेके आया। पता नहीं क्या ही लग रहा है, मेरा पेट भरा हुआ था, मैंने पोहा खा लिया बहुत सारा, तो कम कम खाना खा रहा हूँ। और एक छोटा वाला बेटा तो टॉयलेट में काम कर रहा है अपना। बाकी खाते रहो और जाते रहो।
ओम का तो ये है, सबका ये है कि खाओ जाओ खाओ जाओ खाओ जाओ। टाइम हो चुका है 2 बज चुके एंड साहब हो चुके हैं तैयार जाने के लिए ट्यूशन प्लस अकेडमी। भैया जाओ 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 जाओ, गेट लॉस्ट गेट लॉस्ट। ओ भाई साहब, चुलबुल बिल्कुल गहरी नींद में सोते हुए बिल्कुल मस्त होके टन में सो रही है, और इसको देख के मुझे भी नींद आ रही है। आपके सामने कोई बंदा सोया कर इतनी गहरी नींद है, मैं तो कही होगा, तो सोच रहा हूँ कि 1 घंटा सो जाऊं चुलबुल के साथ बिल्कुल मस्त होके। 3 बज रहे 4 बजे तक उठूंगा आराम से। तो भाई मैं अभी ऊपर सो रहा था एंड नीचे आया तो देखा कि सब्सक्राइबर आए मिलने के लिए, तो ये रहे अपने कुछ सब्सक्राइबर। नाम क्या है? भावेश, रक्षित, करण। ये 8th में है एंड ये 9th और 9th में। चलो बढ़िया है, ऐसे आप रोज देखो है ना, और ऐसे ही प्यार देते रहो और सपोर्ट करते रहो। तो गाइस अभी सब्सक्राइबर्स गए एंड लिटरली मिलके मजा आ गया। मतलब इतनी खुशी मिलती है ना जबकि मिलने आता है ऐसे, तो लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं एंड लोग रियली अप्रिशिएट कर रहे हैं। बाकी मिलके मजा आ गया, दिल खुश हो गया। अभी बना दी है मम्मी ने गर्मा गर्म कड़क चाय विद टेस्टी एंड टेस्टी गाजर का हलवा। लेकिन मम्मी अभी यहाँ पे नहीं, मम्मी के कुछ क्लाइंट आ गए तो मम्मी है अपने पार्लर में। एक्चुअली में क्या था, मम्मी ने चाय बहुत पहले ही बना दी थी बट मैं चाय पी नहीं पाया था, तो मैंने अभी चाय गरम गरम करी, गाजर का हलवा गरम गरम करा और खा रहा हूँ। अभी मम्मी कुछ 1 घंटे में आई जाएगी तो मम्मी से मिलते हैं फिर। बाकी अभी खाता हूँ मैं टेस्टी टेस्टी गाजर का हलवा विद गर्मा गर्म कड़क चाय। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब क्या ढूंढ रहे अंदर? कुछ नहीं यार, पजामा ढूंढ रहा हूँ। पजामा पहना तो है? ये पजामा जो पहना है ना मैंने, आपका पजामा है और इसका नाड़ा देखो। ओ भाई ये क्या है? नाड़ा है, डिसअटैचेबल नाड़ा है ये। ये नाड़ा मैंने लगा रखा अलग से, देखो अलग से बांधा है। क्यों लगाया? भाई ये पजामा जो है ना इसने मेरी बेइज्जती करा दी थी अभी मेन रोड में। क्या हुआ? मम्मी ने मुझे दुकान भेजा कुछ लेने के लिए। हाँ। वहां पर मैं मेन रोड में चला रहा था, ये पजामा 2 सेकंड में नीचे आ रहा। हाँ। वहां मैं आंटी साहब ने पजामा मेरे यहाँ तक आ गया था। मैंने इज्जत बचाई और मैंने इसको ऊपर करा है। मैंने बोला भाई नाड़ा बांधना पड़ेगा, इतनी गरीबी आ गई है गाइस। पजामा नहीं है भाई के पजामे चुरा के उनमें नाड़ा बांध रहा हूँ गाइस। मैं जो पजामे उनमें 6 दो रखे हैं, आगे पीछे 3-3, 4 6 दो रखे हैं। भाई साहब कोई बात नहीं, एक दिन तेरे लिए बहुत सारे पजामे खरीदूंगा मैं, ठीक है? खरीदना यार, ये नौबत तो नहीं आनी चाहिए। अभी आ चुकी है मम्मी अपने मेकअप स्टूडियो से। सुबह से इतना काम कर रही है मम्मी, पहले नीचे जा रही है फिर ऊपर आ रही है खाना बना रही है, फिर नीचे जा रही है फिर ऊपर आ रही है खाना बना रही है। मतलब स्नैक्स, नाश्ता, शाम की चाय, सब कुछ। और अभी बना रही है डिनर, रोटी सब्जी। इतना काम कैसे कर रहे हो मम्मा आप? मेहनती मम्मी मतलब बच्चों के लिए है? बच्चों के लिए करना पड़ता है। बेचारी मम्मी काम करती है इतना सारा। बाकी खाने में क्या है? अभी सब्जी रोटी तो सब्जी रोटी खाएंगे और मस्त पेट पूरा करेंगे। अभी आ चुके हैं पापा और खिला रहे चुलबुल को दवाई। चुलबुल ये डाल रहे पापा, ये खा गया, देखो खा गया। ये डाल रहे पापा इसे। ये मम्मी ने बताई किसको ऐसे खिलाओगे, वैसे तो खाएगा नहीं दवाई। और ये दवाई इतनी महंगी दवाई है, वही। और अगर ये इसको दवाई नहीं देंगे तो ये बेचारा बीमार पड़ जाएगा। तो वही है जो कि मैंने आपको दिखाया था पहले, कि वही अपने मखाने के अंदर ये सिरिंज है इससे डाल रहे हैं, और मखाने इसके फेवरेट है तो मखानों के अंदर डाल के इसको खिला रहे दवाई, इसके लीवर की, इसके कैल्शियम की। तो मस्त मजा आ रही है। ये चुलबुल वाह क्या खाना बनाया मम्मी ने, हरी सब्जी रोटी और चटनी है, क्या टेस्टी चटनी हो रही है, मजे आ गए। थैंक यू सो मच। ओम पर भौंक रहा है। अरे फालतू में भौंक रहा है, ओम भाग। अरे क्या हो गया इसको? अभी बच चुके हैं गाइस रात के 12:30 और अब जा रहा हूँ सीधे सोने के लिए। एडिटिंग कंप्लीट कर दी है और आप लोगों के नाम आए थे कुछ इंस्टाग्राम पर एंड व्लॉग्स के कमेंट में। तो नाम है अब्दुल मोइद, मोइन मिर्ज़ा, अनु यादव फ्रॉम कानपुर, युवराज, सौम्यकांत, सरदार अशर, उस्मान फ्रॉम पाकिस्तान, सलीम खान, सना निमरा, अजका सईद फ्रॉम पाकिस्तान, शशि कपूर फ्रॉम हापुड़, नव्या, अनुजा नानावाड़े, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, हेमा फांगड़ा, गुड्डू झोकियो एंड दक्ष गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। बस गाइस थैंक यू गाइस, आप लोग इतना प्यार देते हो, सपोर्ट करते हो, बस ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो एंड ऐसे हम धीरे धीरे ग्रोथ करते रहेंगे, बाकी तो गाइस अब भी कर देता हूँ मैं व्लॉग को एंड। अगर आपको व्लॉग देख के मजा आया, तेरे पे स्माइल है, आपको एंजॉय कर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, टिल देन गुड बाय, गुड लक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लिव योर लाइफ एज मच एज यू कैन। कल सुबह 8 बजे तैयार रहना, तब तक के लिए बाय बाय।